What is up everyone, this is me Mukesh and we're back with another one. So Shahrukh Khan ka teesra movie ka trailer drop ho chuka hai, Donkey. Is saal Shahrukh Khan ne macha diya hai. Is saal ki shuruaat Shahrukh Khan ne Bollywood ke liye ki thi, Pathaan जो मूवी है वो लेकर आई थी, एंड क्या बूस्ट किया है उसने बॉलीवुड पे, एक नई जान झोंक दी है. क्योंकि 2022 मिजरेबल था बॉलीवुड के लिए. सब लोग समझ चुके थे कि बॉलीवुड इज फिनिश्ड, इज डन, देयर इज नो कमिंग बैक. लेकिन शाहरुख खान ब्रो द किंग ऑफ कमबैक्स ब्रो, एंड उसने क्या कमबैक किया भाई. 2000 करोड़ फिल्में एक ही साल में. ये तीसरा मूवी है शाहरुख खान के लिए और आखिरी मूवी होगा इस साल में बॉलीवुड के लिए. साल की शुरुआत भी बॉलीवुड के लिए शाहरुख खान ने की थी, साल का अंत भी बॉलीवुड के लिए शाहरुख खान करेंगे. मैन कम ऑन नाउ, डंकी ड्रॉप 4, शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी, ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर, एक भी फ्लॉप आज तक नहीं दिया है. तापसी पन्नू, विकी कौशल, बॉमन ईरानी, मैन स्टेलर स्टार कास्ट. 21st December 2020 विदाउट फेडू. Let's get right to this one, man. Man, लुट पुट गया, क्या ट्रैक है भाई, वो मैं लूप में सुन रहा हूँ. But anyway, let's get it, bro. I hope it is good, bro. 3 मिनट का ट्रेलर है. Let's go. जे कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटो में कदम रखा. यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे. बल्ली बाल काटता था. बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे. बुगू पिजामिया बेचता था. मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ. जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है. और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था. आई अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा से फुल स्टॉप. और उनके साथ दुनिया से लड़ जाती है. मेरे लिए नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती. कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते. आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी. तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड. मैं तो धम छक पक धम लुटपुट गया, लुटपुट गया. मैं तो गया, मैं तो लुटपुट, लुटपुट. मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूं, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. I want to go to lavatory. I want to go to lavatory. I don't want to go to lavatory. I to ji done lavatory. So if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भाषा पंजाबी का. 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम, जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या. जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले. चल बे वतना, फेर मिलांगे, बैठ के लंबी बात करांगे. हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने. ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा. 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हड्डी. जय हिंद. Okay, bro. I still like I got a little bit of idea कि क्या होने वाला है मूवी में, लेकिन फिर भी कैसे कनेक्ट होने वाला है, किस तरीके से दिखाने वाले है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. Okay. So VFX थोड़े बहुत जो थे वो थोड़े से नजर आ रहे थे. ओके okay. प्रैक्टिकली शूट करना पसंद करते हैं राजकुमार हिरानी. अब जितनी भी मूवीज उनको उनकी देखी है, एक्सेप्ट पीके में थोड़े बहुत CGI's, संजू में थोड़े बहुत VFX हमें देखने को मिले थे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि किसी लाइक 3 Idiots वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन. एंड उसमें तो भाई कोई भी VFX और CGI की जरूरत नहीं पड़ी थी. बट यस
मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूँ। ट्रेलर देख के तो मुझे वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब वो डायलॉग मार रहे थे, वो चिता जल रही थी पीछे, शाहरुख खान वो डायलॉग मार रहे थे, आई थिंक जब कॉन्टेक्स्ट होगा हमारे पास हमें वो ज्यादा हिट करेगा वो पार्ट, बट राइट नाउ इट मिस्ड द मार्क। मेरे हिसाब से इट मिस्ड द मार्क जहाँ पे इमोशनल कनेक्शन चाहिए था, ट्रेलर के हिसाब से एक इंटरेस्ट जगना चाहिए था, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि एक शॉक वैल्यू जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था इस ट्रैक से। बट एनीवे, आजकल हम इतनी सारी एक्शन मूवीज देख रहे हैं, लाइक इस साल एक्शन मास मूवी भरा हुआ था इस साल, एंड हमने काफ़ी सारे एक्शन मास मूवीज देखे थिएटर्स में जाकर, सो दिस विल बी अ गुड चेंज ऑडियंस को देखने के लिए, यू नो फाइनली वो थोड़े से एक्शन मास मूवी से थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहेंगे लोग। ये स्टोरी ड्रिवन होने वाला है, एक्टिंग ड्रिवन होने वाला है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिंग टॉप नॉच रहनी चाहिए। शाहरुख खान कई कई जगहों पर जब वो मन्नू की बात कर रहे थे, मन्नू के बारे में बात कर रहे थे, हिज एक्सप्रेशन मुझे थोड़े से नेचुरल नहीं लग रहे थे। आई फील कि वो जो नेचुरल टच शाहरुख खान का हुआ करता था कल होना हो के टाइम पर, या फिर कभी खुशी कभी गम के टाइम पर, या फिर वीर जारा स्वदेश के टाइम पर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखें भर जानी चाहिए एक सैड मोमेंट अगर स्क्रीन पे हो रहा है, राइट। आंखों पे आंसू नहीं भी लाकर वो अपनी बातें बोल दे, सो आई थिंक दैट वुड बी अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मोमेंट, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लगेगा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ये जो इम्पोर्टेंट इमोशनल सीन्स हो गए शायद हमारे साथ कनेक्ट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि राजकुमार हिरानी का ये काफ़ी पिवोटल मोमेंट्स होते हैं राजकुमार हिरानी के मूवीज़ में, जहाँ पे हम ऐसे इमोशनल पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं मूवीज़ के साथ। सो देखते हैं कितना कनेक्ट होते हैं, मे बी और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के साथ हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, बट दिस इज़ द ट्रेलर, आई लाइक द ट्रेलर, द ट्रेलर वॉज नॉट बैड, 3 मिनट के हिसाब से इट वॉज क्वाइट गुड। कब खत्म हो गया मुझे पता नहीं चला। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से दिखाएंगे आखिर में, जो वो लुक था पूरा ओल्ड शाहरुख का जो लुक था दैट वॉज गुड। दाढ़ी वाला शाहरुख मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है इसमें, बट क्लीन शेप शाहरुख भी ठीक है। ही इज़ एज, लाइक मुझे नहीं पता कि उसका एज यहाँ पे कितना दिखाया गया है, बट वो काफ़ी ही लग रहा है कि उसका एज काफ़ी बड़ा लग रहा है यहाँ पे, जब वो क्लीन शेव्ड था तब उसका एज भी काफ़ी बड़ा लग रहा था। सो आई डोंट नो कि उसका वो कितने साल का प्ले कर रहा है कैरेक्टर, बट आई होप कि बिलीवेबल हो। एंड डंकी ड्रॉप 4, शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी, तापसी पन्नू, विकी कौशल, बॉमन, विकी कौशल का काफ़ी अच्छा पार्ट था, वो जो पार्ट था वो काफ़ी अच्छा कनेक्ट हुआ मेरे साथ। सो या 22 को रिसला रिलीज हो रहा है, 21 को ये रिलीज हो रहा है, सो ये एक दिन पहले आने वाला है। But anyway, guys, let me know the conversation below कि आपको कैसा लगा ये trailer, and subscribe to our channel, post your content. See you next video. Until then.